मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। अंग्रेजी में इसको स्कैम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पड़ गए पंगे, ये एक कॉमेडी मूवी है जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया है। कॉमेडी भरपूर मिलेगी, ड्रामा उससे भी ज्यादा भरपूर मिलेगा। तो कॉमेडी और ड्रामा की जो भरपूर मूवी का ट्रेलर आया है ना पड़ गए पंगे, उसका हम पहले ट्रेलर देख लेते हैं, फिर देखते हैं किसने किसने पंगा लिया। जी म्यूजिक मरणोपरांत अपने श्री चरणों में हमें स्थान दे देना। तीन बज रहे हैं तो 3 बजे भूत प्रेत एक्टिव हो जाते हैं। अभी मरे ना तो आत्मा सालों साल भटकती रहेगी, कल मर लेंगे ना। सारे अरेंजमेंट्स हो गए ना? ऑलमोस्ट। एंड व्हाट अबाउट हनीमून? हनीमून ये है मेरे आयुष भाई, अब फैमिली बनाने जा रहे हैं। ये है शास्त्री, मोहल्ले में बड़ी इज्जत पर घर में कोई इज्जत नहीं। मैं हूँ जग्गू, मनी ग्रोथ एडवाइजर। 21 दिन में पैसा डबल करता हूँ। छोड़ दो। देखिए ये दोनों ही साइलेंट टेंसर हैं। ये चेकअप कराने के बाद ही डिटेक्ट होते हैं। कितना खर्चा बढ़ जाएगा? 30-40 तक तो आ ही जाएगा। शुरू करा लेते भैया, अभी शुरू करा लेते। 1,00,000। अरे रे 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 रे, ये सुनकर बहुत दुख। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? वो तो दारू पीने से होता भी नहीं है। सब दारू सिपाही ऐसे ही बन रहा हूँ। तुम्हें विश्वास है मैं मरने वाला हूँ? अरे कल नहीं मर रहे, इलाज हो सकता है तो जाके ले आ। चले 50,00,000 किस्मत ने बात। 10,00,000 तुमने मेरा लोन रिजेक्ट किया और मुझे तुमसे ही फंडिंग मिली। तुम्हें पता है आज सुबह बग्गा जी गुजर गए, उन्हें कोलोरेक्टल कैंसर था। यहाँ से कूद के मर जाऊंगा पर कैंसर से नहीं मरूंगा। चूहे मारने वाली दवाई से तो आदमी चूहे भी नहीं मरते, उनका पेट खराब हो जाता है। हमारे घर में कमाने वाला एक ही है। कोई और इमोशनल। अब हमने इसमें डाल दी 3री गोली। मरने और जीने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी हो गई आधा आधा। चलाएं गोली। भैया अमाउंट बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। ये है मेरी वाइफ विस्तारा। ये कैसा नाम है? एयरलाइन का नाम विस्तारा हो सकता है, मेरी वाइफ का नाम विस्तारा नहीं हो सकता। पहले जब हमने ट्रेलर देखा ना कि वो तीनों अलग अलग कुर्सी धर के फांसी लगाने जा रहे थे, तो हमें लगा कि ये बहुत सीरियस मूवी होने वाली है। पर जैसे जैसे उसका ट्रेलर देखते गए ना, लगता चला गया ये तो कॉमेडी से भरा होने वाला। वो कहते हैं ये है मेरी बीवी विस्तारा, तो वो तीनों हंसते रहते हैं राजपाल यादव के सामने, क्योंकि राजपाल यादव कहते हंसते कि वो विस्तारा जब एयरलाइंस का नाम हो सकता तो मेरी बीवी का क्यों नहीं हो सकता। मतलब कॉमेडी एक से बढ़कर एक कॉमेडी। फैजल मलिक भी दिखाए जाते हैं, जो जिनकी अभी पंचायत मूवी आई थी ना, पंचायत मूवी में वो पियक्कड़ बने थे, वो भी दिखाए जाते हैं। वो शायद इस ग्रोह से पैसा निकालने वाले होते हैं, उसी से पैसा छीनने वाले होते हैं, और उनको इंग्लिश नहीं आती, टूटी फूटी आती। वो बोलने की कोशिश करते जो उनके चमचे लोग होते ना, वो उनको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। तो ये ट्रेलर बहुत अच्छा था। मूवी का नाम ही पड़ गए पंगे। अब पंगे पड़े या पिछवाड़े में डंडे पड़े, ये तो बाद ही पता चलने वाला है मूवी देखने के बाद में। पर हाँ, फुल टास कॉमेडी होगी इसमें, ये हम वादा करते हैं। समर्पण सिंह, राजेश शर्मा और रामपाल यादव, वर्षा राठे उनकी गर्लफ्रेंड होती है, और ये तीनों अलग अलग कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं और तीनों सुसाइड करने जाते हैं। दिखाया इसमें यह था कि तीनों फांसी लगाने जा रहे हैं, पर 3 बज जाते हैं तो कहते नहीं 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 आज फांसी नहीं लगानी आज नीचे उतरो, क्योंकि 3 बजे भूत प्रेत एक्टिव हो जाते हैं, और जब वो एक्टिव हो जाएंगे और उस टाइम मरेंगे तो हम भी भूत प्रेत बन जाएंगे। साइरन के ऊपर कर्जा होता है कि उसमें एक होते ना जो समर्पण सिंह होते ना, जो 21 दिन में पैसा दुगना करने की दम रखते हैं, ऐसा बोलते हैं वो 21 दिन में पैसा दुगना हो जाए। और जो उसमें रामपाल यादव भूमिका है ना, वो एक पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं, ये शायद बाहर के विदेश के सीन है। जब उनको पता चलता कि उनको कैंसर है और इसका इलाज नहीं हो सकता, अगर हो सकता तो डॉक्टर पूछते कितना, डॉक्टर कहता 30-40 तो खर्चा हो जाएगा, तो कहते तो फिर अभी इलाज करा लिया जाए, क्योंकि तीन दोस्त होते अभी इलाज करा लिया है। पर उन्हें पता चलता 30-40 लाख रुपया खर्चा होने वाला है, इसलिए उनकी हवा टाइट हो जाती है और वो ये इलाज नहीं कराते और वो घर आ जाते, शायद इसीलिए वो फांसी लगाने जाते हैं।
पर वो पैसे का इंतजाम भी करते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के जाती है, उनकी अंगूठी सॉरी एक्सक्यूज मी बोल के चली जाती है ना, सब लोग छोड़ के जाते, क्योंकि सब लोग लगता है कि अब ये मारने वाले हैं, जबकि वो नहीं मरने वाले होते। वो कहते हैं दारू पीने से और गुटखा खाने से ये बीमारी नहीं होती है, फिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला। मतलब बहुत कॉमेडी से भरी मूवी होने वाली, 30 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी, दमदार होगी, कॉमेडी से भरी होगी, जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उससे निजात दिलाने वाली होगी, ऐसा इसमें दिखाया था ट्रेलर में। पैसे का भी इंतजाम हो जाता है, वो शायद बैंक को ही लुटवा देते हैं, बैंक में ही किसी के पेट में गोली लगा देते हैं और वो लुटवा देते हैं, फिर उनको 10 लाख देते हैं, फिर उनको 10 लाख देते हैं, मतलब जो उनके पास होता है उसे वो अच्छी तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं। वो लूटते इसीलिए है कि उनकी बीमारी का इलाज हो सके, और जब इलाज नहीं हो पाएगा तो लूटने का क्या फायदा। लास्ट में दिखाया जाता है कि वो पकड़े जाते हैं, दोस्त होते ना वो तीनों पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाते तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है। रामपाल यादव कहते हैं इसको चोरी नहीं कहते, इसको स्कैम कहते हैं, घोटाला कहते हैं, जो तुमने घोटाला किया बहुत बड़ा घोटाला। उन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया, किसको पैसा दिया, तो कहते हैं कि नहीं 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 मैं सब चीजों से मरना चाहता हूँ, मैं कैंसर से नहीं मरना चाहता हूँ, मैं डूब छलांग लगा दूंगा नदी में पर कैंसर से नहीं मरना चाहूंगा, ट्रेलर देख के। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये ट्रेलर देख के कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वाले रेट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।